अच्छा फर्स्टली तो मैं बोलूँगी कि जिस मुझे एज में हुई थी आई वॉज 20 एंड आई एम 27 नाउ, सो दिस इज 7 years. और अभी भी ऑफकोर्स एक चीज़ चल रही है. तब मुझे बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि डिप्रेशन क्या है. मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल शायद पागल हो गई हूँ. और वो जो बचपन में फिल्म्स में देखा था ना कि अब आप एक मेंटल असाइलम में हो गए, बाल कटे, तो मुझे लाइक इस तरह के मेरे बारे में ख्याल आते थे कि अब मेरे साथ शायद ये होने वाला है. बट जब आपको द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अ साइकेट्रिस्ट और उसने जब मुझे बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आधी एन्जाइटी मेरी वहीं पे ख़त्म हो गई थी, बिकॉज आई गॉट टू नो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद मी. तो वो एक इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होना ना बहुत ज़रूरी होता है अगले इंसान के पास. मैं हमेशा ये बोलती हूँ, कभी भी कोई मेरे पास अगर आता है ये बात करने के लिए, एंड आई थिंक आजकल इट्स वेरी कॉमन हर किसी को, बिकॉज हमारे एज के से ज़्यादा आई थिंक हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब इस दौर में डाली जा रही हैं. इतना एक फास्ट दौर है कि बिल्कुल हर किसी की मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोलैप्स हो रही होती है. सो दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू टेल एवरीबडी कि यार जिस तरह आपका दिल एक ऑर्गन है, आपकी किडनी एक ऑर्गन है, आप बीमार होते हो तो आप दिल उसके लिए दवाई लेते हो, किडनी के लिए दवाई ले लेते हो, आपका कोई भी ऑर्गन ख़राब हो तो यू डू गो आउट एंड यू नो सीक हेल्प फॉर इट. सिमिलरली योर ब्रेन इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन, इसमें कोई अलग बात नहीं है. अगर वो मैल फंक्शन करना शुरू कर दे तो उसके लिए भी आप जाओ, आप हेल्प लो एंड थिंग्स डू गेट बेटर. और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं शुरू में व्हेन आई वाज रिकमेंडेड मेडिसिंस तो मैंने 3 महीने तक रिजिस्ट की थी, यही सोच के कि नहीं गोलियां तो पागल खाते हैं. मैं तो अगर एक बार मैंने गोलियाँ खाना शुरू कर दी तो मुझे तो ज़िंदगी भर के लिए शायद खानी पड़ेंगी. बट मेरी 3 महीने थेरेपी हुई एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका ओके सो देयर इज अ डिफरेंस. एक होती है आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम और एक होता है आपके माइंड में प्रॉब्लम. जो आपके माइंड में प्रॉब्लम होती है ना जिसकी वजह से आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हो, वो फिर भी थ्रू थेरेपी जो है काफ़ी हद तक ट्रीट हो सकती है. बट इफ़ यू एक्चुअली हैव अ केमिकल इम्बैलेंस इन योर ब्रेन, यही वर्ड यूज करने वाली थी केमिकल इम्बैलेंस, अगर आपको एक्चुअल केमिकल इम्बैलेंस है आपके दिमाग में तो वो दवाइयाँ आपको उसके लिए लेना फिर ज़रूरी है. और उसके साथ साथ आप थेरेपी भी लो ताकि वो एक जो प्रोसीजर है वो जल्दी ज़्यादा एक रैपिड हो सके. सो आई रिमेंबर के फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने इस चीज़ को नहीं किया, मैं थेरेपी में जा रही थी. बट थेरेपी में जाके मैं उस टाइम के लिए तो सही हो जाती थी, बट जब मैं घर जाती थी तो वो दोबारा से मेरे साथ वही ख्यालात, वही चीज़ें, वही एक इमोशनल स्टेट. और सिर्फ इमोशनल स्टेट नहीं होता, फिजिकल स्टेट भी होता है. आपको इतनी बुरी हेडेक्स होती हैं, आपको इमोशनल पेन्स होती हैं, आपको नौजिया होता है, पेट में दर्द होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं. तो फिर आफ्टर 3 मंथ्स मुझे मेरी थेरेपिस्ट ने भी बोला, उसने मुझे बड़ा कन्विंस किया और उसने बोला कि आप ट्राई करो. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी फर्स्ट दवाई, मैंने पहली गोली खाई थी एंड आई कुड फील बेटर. और मेरे दिल से ना दुआएं निकल रही थी फॉर माय साइकियाट्रिस्ट एंड आई वाज लाइक देयर इज होप, नाउ आई कैन फील इट. सो दिस इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड एवरीबडी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको आप थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, यू देयर इज़ नो शेम, देयर इज़ नो हार्म इन सीकिंग हेल्प. एंड कभी कभार ऐसा होता है कि क्रोनिक हो जाती हैं चीज़ें, उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आई मीन यू कैन लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो क्रोनिक होते हैं लेकिन वो मैनेज हो रहे होते हैं, तो आप इसको भी मैनेज कर सकते हो. लेकिन इंडस्ट्री का इससे जब आप इंडस्ट्री का इससे ताल्लुक, इंडस्ट्री तो नहीं, हर चीज का ही देखें होता है ऑफ कोर्स. मुझे ड्रामों में कैरेक्टर से ट्रिगर होता है, सॉरी आई एम कटिंग, नहीं नहीं या क्या, और लेट मी रीफ्रेज. Are you careful about taking certain roles? I'll tell you. Because I now have a lot of information. Because मैं खुद भी psychology पढ़ रही हूँ और मैं बहुत time से therapy में भी जा रही हूँ. So I know my triggers and I know how to handle them and control them. तो मेरे लिए easy है. मैं किसी ऐसे के लिए comment नहीं कर सकती जो therapy पर नहीं जा रहे हैं और मैं उनको बोलूँ कि आप और मैं उनको बोलूँ कि नहीं आप तो अपने triggers में जाके बैठ जाएँ. तो वो मैं recommend नहीं करूँगी. अगर But to know what your triggers are is very important. वो I think first step होता है towards recovery, because then you know, जिस तरह अगर आपको sugar है तो आपको पता है ना मुझे मीठा avoid करना है, वो मेरा trigger है. तो उस तरह आपको पता होना चाहिए अगर मुझे depression हो रही है या मुझे anxiety हो रही है, panic attacks हो रहे हैं, तो वो किस तरह की situation में हो रहे हैं, किस तरह के लोगों से बात करने से हो रहे हैं, किस बात की वजह से हो रहे हैं, क्या चीज़ देख के हो रहे हैं, ताकि अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं भी कर सकते, अगर आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि कोएग्जिस्ट कैसे करना है उनके साथ. ये आपको थेरेपी में सिखाया जाता है एंड इट ओनली मेक्स योर लाइफ ईजियर. सो वर्क वाइज नहीं, ऑफ कोर्स देखें इंसान हूँ, कभी कभी ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो तो मैं भी स्ट्रेस में हूँ. और कोई ऐसी मैं नेगेटिव वाइब्स बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ. अगर मेरे आंखों में एकदम से कोल्डनेस आ जाती है, पता चल जाता है दूसरे बंदे को, आसपास के जो लोग हैं उन्हें फॉलो कर चल रहा है कि ओ इस कुछ
तो मुझे जो है अगर कुछ नेगेटिव कहीं से लगे तो मैं उस चीज़ से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं ओवर थिंक करना शुरू कर देती हूँ. लेकिन मुझे पता है कि ओवर थिंकिंग इज़ माई ट्रिगर, तो फिर मैं कहती हूँ, फिर मैं उस ओवर थिंकिंग को ना पॉजिटिव में ले जाती हूँ. मैं उस इंसान की फिर आई ट्राई टू सेंड पॉजिटिव वाइब्स आउट, ताकि वो पॉजिटिव नेगेटिव क्लैश हो के ना थोड़ा वो अगला इंसान भी पॉजिटिव हो जाए. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू फ्रॉम माय एंड. बट काम वाइज कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई कैरेक्टर, हाँ ये होता है कि जाहिर सी बात है यू हैव टू लिव योर कैरेक्टर ऑन सेट, तो वो आप फील कर रहे होते हो, आप एक जोन में जा रहे होते हो, लेकिन क्योंकि मुझे पता होता है वो जोन यशमा से डिटैच्ड जोन है, तो वो मुझे बाद में घर आके एज सच इफेक्ट नहीं करता. चलो दैट इज गुड, बट ये मतलब खुद पढ़ा हुआ है और खुद इतनी चीज़ों से हुआ भी है ना, एक्सपीरियंस भी है माशाल्लाह से, नॉलेज भी है, तो कभी होता है ऐसा सेट पे बैठे बैठे एक थेरेपिस्ट मोड ऑन हो गया. मैं तो बहुत फ्री काउंसलिंग देती हूँ, दूसरों को एडवाइस करो, भाई फ्री काउंसलिंग देती हूँ, आप यकीन करें. और मुझे तो मेरे दो तीन दोस्त तंग है, कहते हैं यार मतलब हमने तुमसे प्रॉब्लम शेयर की है, सिर्फ शेयर की है, मुझे हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें ये थेरेपी नहीं, बिकॉज यू नो लाइक आई ट्राई telling them that the only person whose actions and feelings are in your control is you yourself. तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें ये करना है. They're like, नहीं अगला गलत था, मुझे बताओ अगला क्या करे. I'm like, अगले को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम, मैं बता रही हूँ तुम ये करो. My friends are just like, यार मतलब ये वो typical वो friend में आए ना कि वो हमारी they just want to vent. And I'm like, no, if you're telling me, then I am also going to give you a solution now, because now that I know that you're going through something, it's building on my conscience, and I have to tell you. And they're like, यार नहीं यशमा, वी कांट टेक दिस साइकोलॉजी राइट नाउ. सो यार यशमा, पूरे 8 साल का आपने गैप लिया, उसके बाद आप इंडस्ट्री में वापस आई थी और ऑलरेडी आप वॉलंटियर कर रही थी एट PNS शिफा. जब ये ऑफर आई आपको कि इस फिल्म में छोटा सा रोल है, फिर वहाँ से चस्का लग गया, तो मेन रोल कैसे आया, उसके बाद ड्रामों में कैसे आई आप, क्या हुआ था और क्या किस पॉइंट पर आपने डिसाइड किया कि बस अब मुझे ये यही करना है, मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ. पढ़ाई तो नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया से मैं BSc ऑनर्स करके आई थी और मुझे यहाँ के मास्टर्स करना था, लेकिन वो ऑफ कोर्स जब मैंने काम का रूटीन देखा तो मुझे समझ आया कि नहीं हो सकता, और फिर बीच में कोरोना आ गया. आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट. जब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी थी, सो आई वॉज वर्किंग ओवर देयर, और मुझे अपना लाइक आदत थी खुद ही टू यू नो लाइक स्पेंड ऑन माई सेल्फ और अपने पैसे खुद दो चीज़ें खुद. सो व्हेन आई केम बैक आई डिडंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन माई फादर. इसलिए अभी जब बाबा शुरू में नाराज़ होते थे ना, तो मैं अल्लाह ताला से बोलती थी, मैं कहती थी मुझे अल्लाह ताला असल इंटेंशन तो पता है ना कि मैं पापा की हेल्प करना चाह रही हूँ, तो अगर वो नाराज़ हो भी रहे हैं तो आप तो मुझे गुनाह नहीं देंगे ना, क्योंकि मेरी इंटेंशन तो साफ है. और ये अच्छा है भाई, ट्विस्ट घुमा लो, माँ बाप को ले आओ, मुल्क की मोहब्बत को ले आओ, दीन को ले आओ, अपना काम. ये अच्छी टिप थी आपने यशमा, नेक्स्ट टाइम मैंने ये यूज़ करना अल्लाह ताला. मैं ऐसे सोचती थी, मैं कहती थी कि देखिए मुझे पता है उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन उनको ज़्यादा तकलीफ उस चीज़ में होगी जब वो मेरे लिए घर से बाहर निकल के काम करेंगे, एंड यू नो ही आल्सो हैव टू लाइक अर्न फॉर मी और मेरे खर्चे उठाना, तो आप समझ रहे हैं ना अलमिया. तो वो इस वजह से मैंने PNS शिफा में प्रैक्टिस करना क्विट कर दिया था, बिकॉज आई वाज लाइक अच्छा दिस वर्क आई लाइक ऑल्सो एंड इट्स पेइंग मी द काइंड ऑफ अमाउंट दैट यू नो मतलब कि मुझे अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना पड़ेगा. तो एक वो रीजन था. आई रिमेंबर, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड. मैं ऑस्ट्रेलिया से ही वापस आई हुई थी छुट्टियों में बीच में, और मुझे याद है कि सुबह कुछ ना 3 बज रहे थे और मैं बैठ के नेटफ्लिक्स देख रही थी, और मेरे अब्बू घर आए कुछ 4 बजे के करीब ना, एंड ही प्रेड फजर एंड देन ही वेंट टू स्लीप. और मैं अभी वापस मेरा शो चल ही रहा था, और वो 1.5 घंटे बाद वापस उठ के आ गए, नहीं वॉज लीविंग फॉर समवेयर, और वो पूरा दिन घर पे नहीं थे. तो मैंने कहा पापा आप कहाँ जा रहे हैं, कहते बेटा वो किमारी जा रहा हूँ वो बोट का देखने. मैंने कहा अभी आप आए हैं 1.5 घंटा सोए हैं, तो इज लाइक यू नो लाइक आई कुड सी दी दी स्ट्रेस एंड ही वाज लाइक बस अब मैं क्या करूँ, तुम लोगों को ये टी उन्होंने मुझे इस तरह बोला भी तुम लोगों का ये टी वी कौन देखेगा फिर बैठ के अगर मैं अभी नहीं जाऊँ. एंड दैट हिट मी. I was like, no wait, मतलब I was 22 at that time. और मैंने बोला मैं मतलब आई एम जवान, आई एम 22 साल की लड़की, और मैं यहाँ बैठ के नेटफ्लिक्स देख रही हूँ इतने 4 घंटे से, मेरा बाप बेचारा पूरा दिन से काम करके घर आया है 1.5 घंटा सिर्फ सोया है, और अब वापस वो डिफेंस से किमाड़ी जा रहे हैं इस टाइम पे अकेले. सो आई वॉज लाइक नो, इफ नोबडी एल्स देन एटलीस्ट आई शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड शुडंट बी अ बर्डन ऑन हिम. सो देन आई वेंट बैक टू ऑस्ट्रेलिया, फिर मैंने डोमिनोज में काम करना शुरू किया. हाँ, फिर मैंने वहाँ पे किया, फिर मैंने मार्केटिंग की, फिर चीज़ें की, एंड देन फिर द लास्ट 2.5 ईयर्स आई डेंट टेक एनी थिंग फ्रॉम हिम. सो वन आई केम बैक एंड आई कुड सी कि अब मुझे लेना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं 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 ले सकती, कुछ करना पड़ेगा. तो या तो ड्रामों में कैसे हुआ, फिल्म करने के बाद टेलीफिल्म की थी, फिल्म नहीं टेलीफिल्म की थी. हाँ अहमद भट्टी सर,
आजकल फिल्में हो रही हैं, तुम्हें टेलीफिल्म तो बस फिर अहमद सर के साथ जब मैंने टेलीफिल्म की तो फिर उसके बाद वो पता ही चल जाता है मार्केट में कोई नया फेस आया तो फिर वो सब कॉल्स करना शुरू कर देते हैं. एंड देन आई मेंशन दिस इन अ लॉट ऑफ माय इंटरव्यूज कि व्हेन आई वाज अ वीजे सो आई डिड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो बाद में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स बन गए थे. सो दे न्यू आई वाज बैक एंड दे न्यू आई वांटेड टू वर्क. तो फिर वो मैंने सिक्स सिग्मा जाके अपना ऑडिशन दिया, फिर वहाँ से मुझे इल्तिजा मिला मज़हर मुइन के साथ पहला ड्रामा, फिर मोहसिन तलत के साथ मुझे एक मिला. उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे देख के बस उनकी इंटरव्यू में उन्होंने बात बहुत सच्ची की थी कि मैं ऑडिशन नहीं लेता, मैं देखता हूँ बात करता हूँ मैं बोलता हूँ ये कर सकती है. मतलब मैं इतना नर्वस होकर गई थी मोहसिन बा के पास, आई कॉल हिम मोहसिन बा, इतना नर्वस होकर ना फुल काली शलवार कमीज पहन के कैरेक्टर वाली लड़की बन के ना की जाना. नहीं नहीं दिस वॉज फॉर दिस अनदर, इट वॉज अ सोप, इट वॉज फॉर एक्सप्रेस. तो वो उस टाइम पे मैं मोहसिन बा के पास गई ऑडिशन देने के लिए, उन्होंने मुझसे बस दो मिनट बात की, वो सीन करवा रहे थे साथ साथ अली काजमी का, और उन्होंने मुझे बोला हाँ ठीक है आप डन हो. मैंने कहा मैं डन हूँ मतलब मेन कैरेक्टर के लिए डन हूँ? तो बोलते कि हाँ जी बेटा. मैंने कहा अच्छा, मुझे यकीन ही नहीं आया. फिर जब अगले दिन कॉल टाइम वगैरह आई तो मैंने कहा मतलब अच्छा, ये तो हो गया है, ये तो बड़े अच्छे डायरेक्टर.